Hello everyone, this is Sakshi Singhal. In this video, I will discuss that 5 super tips that will help you while you preparing for your board exam. तो देखिए, आप सभी को पता है कि अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे जितनी भी बातें करूंगी सारी की सारी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें होंगी. कोई भी इलॉजिकल बात हम इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाले हैं. स्टडी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे क्या होगा. मतलब एक बहुत ज़्यादा हॉश वॉश वाला वो जो टाइम होता है ना, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर आपको हर चीज़ को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी. सो या वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता दूँ कि डिपेंड नहीं करता कि आपके फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, इवन टेंथ, इलेवेंथ क्लास के, आपके ट्वेल्थ क्लास के प्री बोर्ड्स में आपके कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन आपके आज तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आने वाले हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम में ही आने वाले हैं. एंड दिस इज़ अ रियलिटी. ये होता है क्योंकि आप अगर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर आप 70% लाएंगे तो बहुत ज़्यादा हद तक श्योरिटी है कि आप 80% तक लेकर आएंगे. अब आप अगर उन स्टूडेंट्स में से हैं कि जो कहेंगे कि मेरे तो आज तक 80% ही नहीं आए, तो आपके इस बोर्ड के एग्जाम के अंदर वो मार्क्स भी जरूर आएंगे. ये आपका बोर्ड का जो एग्जाम होगा आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा. आप मतलब जब एग्जाम देकर आएंगे, जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास एक बहुत बड़ी सी स्माइल होगी आपके फेस पे. सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज सिलेबस एंड रिसोर्सेस. देखिए, इस टाइम पे आने के बाद जब आपके पास अराउंड बहुत कम टाइम बचा है, बहुत यू नो मंथ्स में नहीं, हमें इन्हें डेज में देखना चाहिए, जब आपके पास कुछ डेज बचे हैं, तो आपको अभी तक ये अब आपका फाइनलाइज हो जाना चाहिए कि मुझे यहां यहां से पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी चीजें नहीं उठानी. ये चीज मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट करके चल रही हूं कि आपने इतना सब कुछ अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको ये चीज में एनसीईआरटी पढ़नी है. जस्ट एग्जाम्पल, केमिस्ट्री में आपने अभी तक ये अपने माइंड में सेटअप कर लिया होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको अभी तक पता होना चाहिए कि आपको केमिस्ट्री के अंदर एक जो एक मेन चीज होती है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा आपको ये वाले नोट्स पढ़ने हैं, और जब ये वाला आपका कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम आए तो वो आपको प्रीवियस ईयर्स करके वो टाइम निकाल देना है. इसके अलावा कोई भी मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं, पर आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 100 में से 110 तो लाने नहीं है, उतना ही पढ़ना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है. ओके, तो ये चीजें आपको अभी तक पता चल जानी चाहिए कि आपको किस में से पढ़ना है, किस में से नहीं पढ़ना. अगर आपका अभी भी ये कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका ये वाला डाउट क्लियर कर दूंगी. ओके, तो नाउ सेकेंड पॉइंट इज कंट्रोल योर एनवायरनमेंट. यस, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप अपने एनवायरनमेंट को खुद ख़राब करते हैं और आप अपना एनवायरनमेंट खुद अच्छा करते हैं. अब आप कहेंगे कि ये एनवायरनमेंट कहाँ से वाली बात कहाँ से आ गई, तो देखिए, अब आपका एनवायरनमेंट ख़राब करने वाले आपके कौन हैं, वो आपके खुद के फ्रेंड्स हैं. ये आपके बहुत मतलब शायद आपको कुछ ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिटर लग रही होगी, बट या ये एक रियलिटी है. आप अगर अपने एग्जाम के टाइम पर पढ़ रहे हैं, अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं कि यार तेरा कितना हो गया, यार मेरा कितना हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं. मान लीजिए उसके 2 chapters रिवाइज हो चुके हैं और आपको केवल एक ही हुआ है, तो आपको ये सब चीजें ना सोच सोच के आपको एक तो सबकॉन्शियसली आपको पता क्या हो जाता है, आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील करने लग जाते हैं, यार उसका तो इतना हो गया, मेरा नहीं हुआ. तो ये चीजें आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इतना ज्यादा इस टाइम पे इतना ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास कुछ डेज रह गए हैं. अब आप कुछ इन डेज के बाद कॉलेज में आ जाएंगे. अब कुछ हार्डली एक दो लोग होंगे जिनसे आपकी आगे चलकर बात होने वाली है, तो आप इस टाइम पे जो आपका इतना प्रीशियस टाइम है, जो आपको आने वाले मतलब कुछ आने वाले बहुत सालों तक आपको मतलब यू नो ट्वेल्थ का एक वो जो सर्टिफिकेट और यू नो आपके मार्क्स वगैरह होते हैं आपके साथ हमेशा जाने वाले हैं, तो आप इस टाइम को अपने फ्रेंड्स के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्यों उनसे कॉल पे बार बार पूछ रहे हैं कि यार ये कितना हो गया कितना हो गया. ये आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं. जिस इंसान ने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर दिए वो आधी रेस तो वहीं जीत जाता है. तो या डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल फ़ोन, इवन ये आपका सेकेंड डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन यही है. तो अगर आपके फ़ोन में अगर आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करी हुई हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, दैट इज़ आपकी फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो सब चीज़ों को उड़ा दो. इन सब चीज़ों को इस टाइम के लिए प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करो. आपके पास पूरी एज पड़ी है 50, 60, 70 साल तक, आप इन सब चीज़ों का आराम से चलाना. बट अभी के टाइम पे, इस टाइम पे जब आपको बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा सीरियस होना है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करो. हाँ, अगर आपके टेलीग्राम पे, आपके इंस्टाग्राम पे कुछ आपको लिंक्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से मिलती हैं, तो हाँ उन चीज़ों को देखो. ये नहीं कि आप फनी वीडियोज़ देख रहे हो, इस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो ये सब चीज़ें, आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको कोई बताएगा कि ऐसे 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 करो. अगर आपका फ़ोन आपसे नहीं छूट पा रहा, तो यार एक चीज़ ट्राई करो कि अपने फ़ोन को थोड़ा सा अपने से दूर रख दो, और वहाँ पे अपने आपको इतना मतलब इतना दूर रख दो, और ये सोच के चलो कि मैं इतना आलसी हूँ कि मैं वहाँ से उठा के भी नहीं लेके आ सकता, तो अपना पढ़ने बैठ जाओ कहीं पर, और वो जो डिस्टेंस
डिस्टेंस होगा ना आपके और आपके फोन के बीच का, उसे इतना दूर का रख दो कि यार वहां पे जाना पड़ेगा मुझे वो फोन लेने के लिए दूसरे कमरे के अंदर, या फिर मुझे वहां तक जाना पड़ेगा, मैं इतना आलसी मैं नहीं उठ सकता। अपने आप अभी तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते, वरना कॉलेज में तो बच्चे हॉस्टल वगैरह के अंदर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप अभी अपने पेरेंट्स को अपना फोन दे सकते हो कि यार इसको रख लो मम्मा, इसको रख लो फोन को, मुझे सुबह दे देना 4 बजे, मैं अभी पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ना है अभी आपको, अभी आपके पास टाइम कम है, आपके पास आपको मॉनिटर करने वाले आपके पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए अगर आप अपना ये डिस्ट्रैक्शन नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। और ये जो आपका जब थर्ड पॉइंट होने वाला है, ये डिसाइड करेगा कि आप 90% से ऊपर स्कोर करेंगे, 95% से स्कोर ऊपर करेंगे या उससे नीचे स्कोर करेंगे। यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड रिविजन। या तो रिविजन एक ऐसी चीज़ है, बोर्ड एग्जाम का ये पर्पस नहीं कि आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका पर्पस ये होना चाहिए कि जितना आपने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। यही एक स्मार्ट स्टडी टिप होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चैप्टर हार्ड लग रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल मुझे केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो वो 5 मार्क्स का चैप्टर से या तो कोई न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, पर वो मुझे क्वेश्चन हार्ड लग रहा है या फिर वो सॉरी चैप्टर हार्ड लग रहा है, तो वो मैंने चैप्टर अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दिया, मैंने 95 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लिया, तो एटलीस्ट मैं 95 मार्क्स का प्रिपेयर करके जा रही हूं, तो मैं 90 मार्क्स तो लेकर ही आऊंगी। तो ये सब चीजें आपको अभी से अपने आपको ट्रेन करना होगा कि आपको क्या चीजें हार्ड लग रही हैं, क्या चीजें हार्ड नहीं लग रही हैं, और जो भी चीजें आपको हार्ड लग जाती हैं वो मैंने आपको हम पहले भी आपको ये चीज बोली थी कि उन्हें ये चीज रखें कि आप उन्हें थोड़ा सा एंड के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अब आपका यही डिफरेंस है एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में कि आपका रिवीजन कितना होता है। आप अगर उसी एक सिलेबस को अपनी एक एनसीईआरटी को 5 से 6 बार रिवाइज कर लेंगे, तो वहां आप जहां स्कोर कर रहे होंगे 60-70 मार्क्स, वहां आप स्कोर करेंगे 90+ मार्क्स। और जहां वो बच्चा जहां उसने एक बार या 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज करी है, वो वहीं कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरा इसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत कम है। अगर आप टॉपर बनने की अगर आप सोच रहे हैं कि 90 प्लस लाना है, तो आपको रिवीजन करना मस्ट है। अब देखिए रिवीजन भी 2 तरीके से होते हैं। कुछ बच्चे स्वयं कहेंगे कि हम देख-देख के रिवीजन कर लें, और देख-देख के रिवीजन करने में होगा क्या? देखिए देख-देख के रिवीजन करने में होगा ये कि अगर आप जैसे कि बस वगैरह में जा रहे हैं, आप अपना मतलब स्कूल जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो आपको रिवाइज करना है, तो आप बस में रिवाइज करो तो चलता है, क्योंकि हम वहां पे बोल के नहीं कर सकते, यू नो, और भी लोग होते हैं। लेकिन जब आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, अगर आप वहां पे भी देख-देख के वहां पे रिवाइज कर रहे हैं, ये मतलब जो नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, हमेशा तो हम बस में ट्रेवल नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर आप अपने रूम में बैठकर भी अगर देख देख के पढ़ाई करेंगे, देख देख के रिवाइज कर रहेंगे अपने सिलेबस को, तो एक टाइम आएगा, मतलब हाफ एन आवर बाद एक टाइम आएगा जब आप अपने सपनों की दुनिया में खो जाएंगे। ये एक रियलिटी है, ये हर बच्चे के साथ होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं मन मन के अंदर, और एक हमारा एक नो सपनों की दुनिया होती है, हम उसमें खो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे बोल बोल के रिवाइज करेंगे, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को हर चीज बताएंगे, बोल बोल के होता क्या कि आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज जा रही होती है, आपका माइंड सुन रहा होता है कि आप क्या चीज बोल रहे हैं। जो मतलब ऐसा होता है कि आपने किसी की बात सुन लिया, आपको बहुत ज्यादा वो हर्ट कर गया, या फिर आपने किसी की कोई कॉम्प्लीमेंट सुन लिया तो आपको वो बहुत ज्यादा हैप्पी कर गया, तो वो सुनने से आपके मतलब यू नो एक माइंड के अंदर एक यू नो हार्मोन से रिलीज होता है आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, आप बहुत ज्यादा या तो एक्साइटेड हो जाते हो या फिर बहुत ज्यादा डराउन हो जाते हो। तो ये सब चीजें आपको बोलने से ही मतलब आप अपने अपने ब्रेन को मैसेज दे सकते हो। ऐसे देख देख कर आप अपने ब्रेन को इतनी अच्छी तरीके से मैसेज नहीं दे सकते, इतना एफिशिएंटली मैसेज नहीं दे सकते। तो बोल बोल के पढ़ें और बोल के ही आप उन्हें चीजों को रिवाइज करें। और एक आपके आते हैं रिवीजन के अंदर फ्लैश कार्ड्स। अब आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे दी ये फ्लैश कार्ड्स होते हैं क्या? देखिए फ्लैश कार्ड्स होते हैं कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर के अंदर एक पेज के अंदर आपको जो जो चीज़ें आपने उसे स्कैन मारा और आपने देखा कि इसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आपने छोटी सी स्लिप ली उसके ऊपर वो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए बना करके, तो उसे कहेंगे फ्लैश कार्ड। कि आपको जहाँ पे भी लगा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर अपना मतलब घर का ही कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगा कि ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो आपने उसे ओपन करके देख लिया, आपको रिमाइंड हो गया। लेकिन ये चीज़ आपके काम तो आती है, लेकिन जब आप उसे आ रहे होते हैं ना अपनी फ्लैश कार्ड को, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उस टाइम पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करना चाहिए। उस टाइम पे आप बिल्कुल भी ऐसे कोई भीड़ वाली जगह पे मत बैठिए, मतलब जैसे कि कहीं पे बातें हो रही हैं, आपके पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं, यू नो कहीं झगड़ा हो रहा है, कि आप ऐसी जगह पे बैठ के अपने फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं, नहीं, बहुत शांति में बैठ के अपने फ्लैश कार्ड्स बनाइए। जो भी चीज आप लिख रहे हैं आपको मेक श्योर कि वो आपकी सारी की सारी चीजें आपके मतलब ब्रेन में बिल्कुल फीड होती जा रही हो। फिर आप क्या होगा जब आप लिख रहे होंगे, क्योंकि लिखने की हैबिट से भी हमें बहुत अच्छी तरीके से लर्न होता है, तो लिख रहे होंगे जब आप उसी टाइम आप उसी चीज़ को लर्न करते जा रहे होंगे, तो फ्लैश कार्ड्स को रिमेंबर करने के लिए, बार बार उसे रिवाइज करने के लिए उसे थोड़ा सा स्कैन कीजिए अपने मतलब देखिए, लेकिन उसे लिखते टाइम भी उसका बहुत ज़्यादा यूजफुल उसे बेनिफिट लेकर चलिए उसका, ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सिटिंग।
अब बच्चे कहते हैं कि दी हमसे सिटिंग नहीं करी जाती, हम बैठ नहीं पाते बहुत देर देर तक, हमें समझ नहीं आता कि टॉपर्स कैसे 5-5, 6-6 घंटे तक पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखो, सिटिंग हमेशा कभी भी कोई किसी भी बच्चे की, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, किसी भी बच्चे की सिटिंग जो होती है वो एक बार में फर्स्ट डे से ही 8-8, 9-9 घंटे की नहीं बन जाती। हमेशा होता है कि आपका एक आपको गोल टारगेट करना होता है कि आज मैं इतना पढ़ के ही उठूंगा, आज मैं इतना पढ़ के ही उठूंगी। तो आपको जब आप सिटिंग, मतलब कैसे आप सिटिंग बनाओगे कि आप एक बार, मतलब एक दिन 1 घंटा बैठोगे, एक दिन 2 घंटे बैठोगे, किसी दिन आपको पता नहीं चलेगा वो 2 घंटे 2.5 घंटे कब हो गए। मतलब आपको स्टार्टिंग कम से ही होगी, मतलब कोई भी आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग ना, यू नो, एकदम से पीक पे नहीं हो सकती, हमेशा बहुत थोड़े थोड़े से आप, यू नो, स्टार्ट करते हो और फिर एक टाइम पे आप पीक पे जाते हो। तो ये चीज़ होती है। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से बैठोगे, लेकिन जब आप, यू नो, आपके बोर्ड्स के एग्जाम का टाइम होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपके एग्जाम इतना बिल्कुल इतना नियर आ रहा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 9-9, 10-10 घंटे पढ़ने लग गए। तो अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि अगर मैं 90% लाना चाह रहा हूँ या 90% से अबव लाना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं इतने घंटे की सिटिंग बना रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपने आप से रिजल्ट चाहते हैं तो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना सीखिए कि मैं इतना कर भी रहा हूँ कि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप से। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन अपने आप से ही रख सकते हैं, किसी और से नहीं रख सकते। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सुपर पॉजिटिव। अब देखिए, अब आप शायद बहुत बच्चे इस चीज़ को कई बार सुन चुके होंगे कि बी पॉजिटिव, लेकिन बी पॉजिटिव रहने का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि आप कोई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ रहे हैं और आपने सोचा कि हाँ मैं थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, या फिर आपने सोचा कि मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देख लेता हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत अच्छा अपने आप को फील करा सकता हूँ कि हाँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, या फिर हर किसी को ज्ञान बांटना कि पॉजिटिव रहो। ये पॉजिटिव रहना नहीं होता। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो एक आप एक लाइन ऐड करूंगी, देखिए कि दूसरों से झूठ बोलना जितना गलत होता है उतना ही अपने आप से झूठ बोलना सही होता है। आप इस बात को कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? जस्ट आप दूसरों से झूठ बोलेंगे वो तो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन जब आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका झूठ सच बन जाएगा। जस्ट एग्जांपल, अगर आप अपने आप को उठते बैठते या फिर जब भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी अपने आप, मतलब कुछ भी किसी भी घर के कुछ काम में लगे हुए, तो आप अपने आप से कहेंगे कि मैं 90% लेके आऊंगा, कि मैं 95% लेकर आऊंगा। अगर आप हमेशा अपने आप से ये चीज़ बोलेंगे ना कि नहीं यार मैं तो इतने ला सकता हूँ, कौन सा कोई बहुत बड़ी बात है, अपने आपको बोलिए। मतलब कई बार जैसे कि अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट भी नहीं करा, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही, तब भी अपने आप बोले कोई बात नहीं मैं तब भी कितने लेकर आऊँगा। कि अपने आपको जब जब झूठ बोलेंगे ना तो उससे क्या होगा, जब आप अपने आपको इतना ज़्यादा झूठ बोलेंगे ना तो इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को सच मान लेगा और इस चीज़ में आप अपने आपको बिल्कुल श्योरिटी दे पाओगे कि आप इतना फोड़ के आने वाले हो। और ये एक रियलिटी है, हमारा माइंड, हम जिस चीज़ को उसको बार बार बोलते हैं, फिर हमें कुछ लोग, मतलब यू नो, एक पुश होता है जो हमें एक लोग मोटिवेट कर देते हैं कि आप तो ये हो ही, और आप अपने आपको, यू नो, एक शीशे में देख कर अपने आपको बोलने लग जाते हो कि यार मैं तो ये कर ही सकता हूँ, या फिर ये तो मैं हूँ ही, ये तो मेरा फ्यूचर ही है। तो आप इन सब चीज़ों को ना एक रियलिटी मानने लगते हो। ये चीज़ एक्चुअल में मेरे साथ 2 बार हुई है और ये चीज़ को मैंने फील बहुत ज़्यादा किया है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ होती है। एक बार अपने आप से धीरे धीरे कह के देखो, एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, एटलीस्ट आपको 5-6-7 दिन लग सकते हैं आपको अपने आपको ये बात बोलने में, अपने आपको झूठ को सच बनाने के लिए। तो इस चीज़ को बोलो अपने आप से कहो कि यार नहीं मैं इतने ही लेकर आऊँगा, और ये चीज़ आपको ट्रस्ट में इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी ना मेंटली, मतलब आपको कोई प्रेशर नहीं देने वाली, अब आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि यार अपने आपको बोलने का कि यार मैं इतने लेकर आऊँगा, डेफिनेटली लेकर आऊँगा। फिर आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके दोस्त का कॉल आया है, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि बिग बॉस में क्या चल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्रिकेट मैच में कौन क्या कुछ चल रहा है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपके दिमाग में उस टाइम यही चीज़ें आएंगी कि मेरा केमिस्ट्री के अंदर वो वाला चैप्टर रह गया, अच्छा फिजिक्स के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर्स वो वाले नहीं करे, इंग्लिश के अंदर मैंने वो वाला चैप्टर रिवाइज नहीं करा। तो आपको उस टाइम पर, आप उस स्टेज पर आ जाएंगे, एकदम स्टेज पर नहीं आ पाएंगे, पर उस स्टेज पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8 दिन 10 दिन, पर आप अपने आप को उस स्टेज पर लाना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कराना कि आप अपने आप को इतना समझने लगे, क्योंकि जो इंसान अपने आप को समझता है वो वही होता है। अपने आपको कभी इतना डफर मत समझो, अपने आप को हमेशा जो भी आप हो, मतलब अपनी एक रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि आप ये हो, और अगर आप नहीं हो कुछ अच्छा नहीं, मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो अपने आप को बनाओ, उस अपने काबिल अपने आप को बनाओ, अपने आप को पुश करो, अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, क्योंकि ये बहुत वो वाला टाइम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आपको मिलेंगे कि यार 12th के मार्क्स तो कोई नहीं पूछता, शायद उनके 12th में इतने मार्क्स नहीं आए हैं जो वो आपको ये बात कह रहे हैं कि 12th के मार्क्स तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि 12th के ही एक लौते मार्क्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं। इवन आपके 10th क्लास के मार्क्स भी 12th के कंपैरिजन में कम पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ अ रियलिटी।
तो अगर मैं इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती रहूँगी, आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूँगी, अगर आपको कुछ और टिप्स चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टडी स्मार्ट एंड थैंक यू सो मच।